करता हूँ कि जिन्होंने बेशक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुन करके भेजा है, और जिन भी कार्यकर्ताओं ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जिस प्रकार के समीकरण अभी बन रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीय विधायक समर्थन देने के लिए मुझे लगता है तैयार होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, कितने निर्दलीय विधायक जो है वो मिल चुके हैं, और क्या कुछ उन्होंने कुछ शर्त रखी है? ये माना जा रहा है कि गोपाल कांडा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाए। देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शर्त की बात नहीं है, और ज़्यादातर निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके संपर्क में हैं। देखिए, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, कौन कौन विधायक हैं सारा आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सर दिल्ली आ रहे हैं, वो भी निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, रात देर रात नड्डा जी के घर पर भी काफ़ी अहम बैठक जो है गोपाल कांडा की रहेगी। देखिए, मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर निर्दलीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और आज दोपहर बाद तक सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, मैंने कहा कि ज़्यादातर लोगों से बातचीत हो चुकी है और हो भी रही है, और दोपहर तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जेजेपी को साथ लेकर जाया जाएगा, जेजेपी का साथ अभी अभी इसके ऊपर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सर, आज ये भी चर्चा है कि गवर्नर को जो है मुख्यमंत्री बात करके आज मुख्यमंत्री पद की ओर आज सारी बातें, आज अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली आ रहे हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके सारी बातें बहुत जल्दी तय हो जाएंगी। से बातचीत यहां पर करते हुए, और उन्होंने ये बात कही है कि अभी जो निर्दलीय जीते हैं प्रत्याशी, जो निर्दलीय विधायक हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं, स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो दिल्ली जो हैं वो पहुंच गए हैं, हालांकि इस बीच उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली के लिए वो रवाना हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि चंडीगढ़ से वो काफ़ी एक घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, मनोहर लाल जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हुए उनको, और निश्चित तौर पर यहाँ पर दावा जो है वो यहाँ पर पेश किया गया है सरकार बनाने का, निर्दलीयों के साथ पूरी तरीके से संपर्क में है, जो भी होगा इस बात की जानकारी भी जल्द दे दी जाएगी। बीजेपी नेता सुभाष बराला ये जानकारी मीडिया को दे रहे थे, और फिलहाल जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि निर्दलियों की क्या भूमिका रहेगी, तो उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जो है वो उनके साथ पूरी तरीके से संपर्क में है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, सुभाष बराला का ये बयान, ये आपको जानकारी दे दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का ये दावा है। अपने दावे में उन्होंने ये बात कही कि निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं, हमारे संपर्क में हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, और हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो मीडिया से बातचीत करते हुए और भी उन्होंने कई बातें कही हैं, वो भी हम आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया है कि क्या कुछ भूमिका रहेगी निर्दलियों की, तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टी आलाकमान जो है वो तय करेगा, लेकिन अभी फिलहाल उनसे भी बातचीत जो है की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पार्टी आलाकमान से बातचीत करेंगे, उस दौरान क्या कुछ रहेगा उस पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा, और निर्दलीय जो है वो पहले ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत की जा रही है। सुभाष बराला आपको बता दें और अपने पद से वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन फिलहाल चुनाव जहां से खड़े थे वो चुनाव हार गए थे, फिलहाल आज मीडिया से वो मुखातिब हुए, जिसके बाद उन्होंने ये दावा भी किया है।